हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। आज है 14 सितंबर 2024 और आज की 8 अपडेट्स आप सभी के लिए लेकर यहां पर आ चुका हूं। चलिए शुरू करते हैं पहले अपडेट के साथ। तो ये रही पहली अपडेट, शिक्षण संस्थानों में लागू नहीं हो रहे नियम, 15 को नोटिस। मातृत्व और ग्रेजुएटी का लाभ ना देने वाले शिक्षण संस्थानों पर श्रम विभाग ने कसा शिकंजा, नियम नहीं माने तो अब होगी कानूनी कार्रवाई। नेक्स्ट अपडेट ये रही, कुल्लू लाहौल किन्नौर की चोटियों में बर्फबारी, शिमला में बरसे बादल, प्रदेश में आज से हल्की बारिश के आसार, अधिकांश क्षेत्रों में धूप खिली रहने का पूर्वानुमान। इसके अलावा यहाँ पर बात करें तो सितंबर में सामान्य से 5% अधिक बारिश, और आगे देखें तो यहाँ पे रोजगार के लिए ख़त्म हो रही युवाओं की उम्र बांगचुक। तो यहाँ पर दिल्ली चलो पदयात्रा के दौरान लाहौल स्पीति के दारचा पहुँचे पर्यावरणविद सोनू बागचुक और अन्य। नेक्स्ट अपडेट ये रही, विजेता स्टार्टअप को 10 लाख रुपए अनुदान, 6 लाख की अतिरिक्त मदद। 15 से 17 नवंबर तक आईआईटी मंडी में कार्यक्रम, 30 सितंबर तक आवेदन, 5000 लोगों की आने की संभावना। कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं, ये कार्यक्रम 4 विषयगत क्षेत्रों पर केंद्रित होगा, मानव कंप्यूटर इंटरेक्शन, हिमालय के लिए निर्माण, हिमालय क्षेत्र की विशेष चुनौतियों के अनुरूप समाधान, पर्यावरण एवं स्थिरता और जैव नव प्रवर्तन। प्रत्येक थीम के लिए 2.5 लाख रुपए तक की अनुदान राशि प्रदान यहाँ पे की जाएगी। नेक्स्ट अपडेट ये रही, HPU में 4 गेस्ट फैकल्टी के लिए साक्षात्कार 20 को, तो ये अब यहाँ पे देख सकते हो। नेक्स्ट अपडेट, SOS परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड जारी, हिमाचल प्रदेश राज्य मुक्त विद्यालय SOS की 8वीं 10वीं 12वीं कक्षा की 17 से होने वाली परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड जो है शिक्षा बोर्ड की तरफ से जारी कर दिए गए हैं। इन एडमिट कार्डों को आप इनकी वेबसाइट के ऊपर से डाउनलोड कर सकते हैं। इस दौरान अभ्यर्थी अपना रोल नाम और जन्मतिथि डालकर यानी कि डेट ऑफ बर्थ डालकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट, UG डिग्री कोर्स की अनुपूरक परीक्षाओं की डेटशीट जारी, तो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के दूरवर्ती शिक्षण संस्थान iSchedule CDOE के जनवरी बैच स्नातक डिग्री कोर्स BA BSc BCom प्रथम द्वितीय और तृतीय वर्ष के अनुपूरक और विशेष मौके की होने वाली परीक्षाओं की संभावित डेटशीट जारी कर दी गई है। तो यहाँ पे आपत्ति दर्ज करने के लिए 18 सितंबर तक का टाइम दिया गया है, उसके बाद आपकी 20 सितंबर को फाइनल डेटशीट आ जाएगी। नेक्स्ट अपडेट ये रही, HPU 10,000 रुपये की फीस के साथ UG विद्यार्थियों को एक और गोल्डन चांस। तो किसको ये गोल्डन चांस मिलेगा? ये मिलेगा 2021-22 के बैच को, जिनका 2021-22 बैच है उनको ये गोल्डन चांस का मौका जो है मिलेगा। इसका मैं नोटिफिकेशन भी आपको दिखा देता हूँ। तो ये दोस्तों नोटिफिकेशन है, कल ही नोटिफिकेशन आया है। तो ये है BA BSc BCom शास्त्री फर्स्ट ईयर बैच 2021-22, हु कुड नॉट पास क्लियर द कंपार्टमेंट इन द गोल्डन चांस एंड हु हैव पास सेकंड ईयर और हैविंग कंपार्टमेंट सेकंड ईयर और एडमिटेड इन थर्ड ईयर, तो उनके लिए ये चांस है। गोल्डन चांस इज ग्रांटेड विद ₹10,000 यानी कि 10,000 रुपये आपकी फीस लगेगी, ठीक है, और एग्ज़ाम आपके अक्टूबर 2024 में होंगे, ठीक। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जो कुड नॉट पास और क्लियर, जो अपना पास नहीं कर पाए हैं, क्लियर नहीं कर पाए हैं कंपार्टमेंट, इन जिनका गोल्डन चांस पहले मिला था उसमें नहीं हुआ है पास या क्लियर नहीं हुआ है कुछ भी, और वो जो पास कर चुके हैं सेकंड ईयर बट कंपार्टमेंट है उनको सेकंड ईयर में ही और थर्ड ईयर में वो हैं, ठीक है, तो उनके लिए चांस है, ठीक। तो ये स्पेशल चांस इनको दिया गया है, प्रोवाइड करवाया गया है। तो देख लेना कौन कौन 2021-22 के हैं, उनके लिए स्पेशल चांस है। इसका PDF मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर प्रोवाइड करवा दूंगा। बाकी वीडियो चलेगा तो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।